अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल हंगरी ट्रैवलर। आप देख रहे होंगे कि मैं सड़क पर चलता हुआ क्यों आया और मेरे हाथ में बोतल क्यों है। इस बोतल से इस सड़क का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है, इस तफसील के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस्लामाबाद के अंदर मुनफरिद रोड बनाई गई है। ये रोड मुनफरिद क्यों है, क्योंकि इसको प्लास्टिक से बनाया गया है। ये प्लास्टिक जिसको आप यूं फेंक देते हैं कचरा समझकर, इस कचरे से सीडीए ने यानी इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एक सड़क बनाई है, प्लास्टिक सड़क जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील है। इस सड़क पर इनका किया हुआ तजुर्बा कामयाब हो चुका है। ये पाकिस्तान की सबसे पहली और 1.5 किलोमीटर तवील सड़क है जो प्लास्टिक से बनाई गई है। जो कचरा हम लोग फेंक देते हैं उस कचरे को इस्तेमाल करके सीडीए ने इस सड़क को बनाया है। तो आ जाए मेरे साथ तफसील में देखें कि किस तरह इस रोड को इस्तेमाल किया जा रहा है और कितनी, तकरीबन कोई सीडीए के मुताबिक 8 से 10 टन कचरा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आ जाए मेरे साथ। मेरा नाम मुदस्सर नज़र है और मैं यहाँ से रोज़ाना गुजरता हूँ। ये सड़क जो बनी है तकरीबन 8 से 10 टन इसमें ना वेस्ट बोतल जो होती हैं, जो इस्तेमाल शुदा बोतलें जो होती हैं हम फेंक देते हैं, वो कचरा सीडी ने इस्तेमाल किया है और 1 किलोमीटर के फासले यानी कि 1 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई है। तो ये अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के सब में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे इकदाम हमें करने चाहिए। सीडी का बहुत अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद में सिर्फ ये हुआ है, अभी तजर्बा हुआ है, तो ये ट्रायल जो है इसका कामयाब रहा है, तो बाकी पूरे मुल्क में भी ऐसे काम होने चाहिए।